वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करता है तो क्या एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या वो ये नहीं जानना चाहेगा कि इन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन से उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मीन्स उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है ऑब्वियसली जानना चाहेगा जैसे स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स उसकी, उसकी परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं उसकी टीचर उसकी परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं और स्टूडेंट खुद भी अपनी परफॉर्मेंस जानना चाहता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी स्टूडेंट की नेचुरली उसके मार्क्स से पता चलेगी अगर उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हम कहेंगे ही इज परफॉर्मिंग गुड वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसे और मेहनत करने की जरूरत है इसी तरह से एक बिजनेस भी अपनी परफॉर्मेंस जानना चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कितने प्रॉफिट अर्न कर रहा है कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसे लॉस हो रहा है ओब्वियसली हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहिए और इसके साथ साथ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसके बारे में भी पता लगाना चाहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन मींस उस बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं एसेट्स के लिए फंड्स कहाँ से प्रोवाइड किए गए हैं ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट से किए गए हैं या उसके लिए लोन लिए गए हैं मीन्स बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या है कैपिटल क्या है तो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर टू सच स्टेटमेंट्स विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में रिपोर्ट करती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो बेसिक स्टेटमेंट्स इंक्लूड करते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है इनकम स्टेटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि बिजनेस में कित प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं बैलेंस शीट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था काउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में जिसमें बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल शो की जाती है तो बैलेंस शीट क्या करता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हम ये दो स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं income statement income statement includes trading account and profit and loss account and statement of financial position that is balance sheet according to john and meyer the financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprise financial statement a business enterprise ke accounts key summary provide karti hai the balance sheet reflecting the asset liabilities and capital बैलेंस शीट से पता चलता है उसकी एसेट का लाइबिलिटीज का और कैपिटल का ऑन अ सर्टेन डेट एंड इनकम स्टेटमेंट्स शोइंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड और इनकम स्टेटमेंट क्या शो करती है एक सर्टेन पीरियड में उस बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज की उसका क्या रिजल्ट है और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल यानी बैलेंस शीट है इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा दो और स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इसे भी हम जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं बट इस चैप्टर में हमें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ही बनाना सीखना है नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से हमें क्या पता चलेगा बिजनेस के एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस क्या है कितने हैं जिसे हम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते नेक्स्ट इज टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी एसेट्स कितनी हैं लाइबिलिटीज कितनी हैं बिजनेस की तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए यूजफुल है कौन ही इसके यूजर्स है कौन ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं अस सी फर्स्ट इज मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट के लिए फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे यूज़फुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैनेजमेंट को बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है क्योंकि मैनेजमेंट को बिज़नेस के लिए बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं प्लानिंग करनी होती है कुछ जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना होता है तो कैसे प्लानिंग करें क्या डिसीज़न लें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कौन से ऐसे एक्सपेंसिज हैं जिनके ऊपर कंट्रोल करना है इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा उसके बेसिस पर ही मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेगी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेगी और जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करेगी नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स कोई भी इन्वेस्टर जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी मनी को तो इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देखना चाहेगा कि बिजनेस की जो सेल्स है प्रॉफिट्स हैं उनका क्या ट्रेंड है ट्रेंड मतलब वो सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं और फ्यूचर में इसके ग्रोथ के भी कुछ चांसेस हैं या नहीं है और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा इन्वेस्टर्स को क्योंकि तभी वो डिसीज़न ले पाएगा कि आई शुड इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस और नॉट अगर उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी है और फ्यूचर में पूरे चांसेस हैं इसकी ग्रोथ के तभी इन्वेस्टर्स उस बिज़नेस में अपनी फंड्स को इन्वेस्ट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को कहाँ से मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है जिसके बेसिस पर वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है नेक्स्ट शॉर्ट टर्म क्राइटर्स शॉर्ट टर्म क्राइटर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए बिज़नेस को क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो लोन प्रोवाइड करने से पहले वे भी वो भी जानना चाहते हैं कि बिज़नेस अपने जो डेट्स हैं जो लोन्स हैं शॉर्ट टर्म लोन्स उनको पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जब वो ड्यू हो जाते हैं या उन्हें और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और उन्हें इस बिजनेस को लोन देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए गुड्स क्रेडिट पर सेल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो इसके बारे में उन्हें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देन दे कैन डिसाइड कि दे शुड अलाउ क्रेडिट सेल और नॉट they should give short term loans or not next is long term creditors just like short term creditors long term creditors bhi long term creditors kya hote hai jo long term long time ke liye business ko loan provide karwate hain to loan provide karne se pehle wo bhi janna chahenge ki kya business ko jo loan वो provide करवाने जा रहे हैं उस पर वो business interest pay कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो लोन उन्होंने प्रोवाइड करवाया है बिज़नेस को उस लोन का पेमेंट टाइम पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और उसके बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं कि, कि उन्हें बिजनेस को और लोन देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए तो इन सब के बारे में बिजनेस जो लॉन्ग टर्म क्राइटर्स है कि बिज़नेस इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अपने लोन्स पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये सब कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा नेक्स्ट इज इम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस अब इम्प्लॉयिज़ का क्या इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट ये होता है कि उन्हें जो रेमेशन मिलता है वेजिस मिलते हैं उनमें इंक्रीज इंक्रीमेंट लगेगी या नहीं लगेगी उन्हें इस साल बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा तो अगर प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो इंक्रीमेंट के भी चांसेस और बोनस भी ज्यादा मिलेगा तो इंप्लाईज भी और ट्रेड यूनियंस भी ये जानना चाहते हैं कि वेजेस में बोनस में बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा वेजेस इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी तो ये सब बिजनेस के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट्स के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट के लिए क्या यूज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का गवर्नमेंट को ये डिसीज़न लेना होता है कि किस तरह की इंडस्ट्री को उन्हें कंसेशन देना है कि नहीं देना है किसके एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज करना है किसके एक्साइज ड्यूटी को डिक्रीज़ करना है तो ये किस बेसिस पर डिसीजन लेगी गवर्नमेंट उनके प्रॉफिट के बेसिस पर और प्रॉफिट्स के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है नेक्स्ट इज टैक्सेशन अथॉरिटीज़ अब टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ये जानना चाहती है कि जो बिजनेस है वो अपना इनकम टैक्स सेल टैक्स जितने भी टैक्सेस हैं वो प्रॉपरली पे कर रही है या नहीं कर रही है अब इनकम टैक्स इनकम पर पे किया जाता है तो इनकम के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी तो जो भी टैक्स हैं उनकी कैलकुलेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं उन्होंने प्रॉपर शो किया है कि नहीं इसके बारे में टैक्सेशन अथॉरिटी जानना चाहती है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिल सकती है अदर यूजर्स इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिफरेंट टाइप की रिसर्च करते हैं उन्हें भी वेरियस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी बिजनेस इंटरप्राइज के बारे में जो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिल सकती है तो ऑल दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पर वो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स